हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे ऐसा प्रश्न आएगा कि विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आंसर इसका सही क्या होगा, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को या विश्व स्तर पर डायबिटीज पेशेंट्स को रोकथाम के लिए और उसके उपाय के लिए, उसके उसमें सुधार के लिए, डायबिटीज लोगों में जागरूकता के लिए डायबिटीज डे मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। तो इसका विषय क्या था जो इस बार जो मनाया गया वर्ल्ड मधुमेह दिवस, उसका विषय था द नर्स एंड द डायबिटीज। क्या था, द नर्स एंड डायबिटीज़। तो यही विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो द नर्स एंड डायबिटीज़। अगला जो प्रश्न है इसी के से रिलेटेड है कि महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, जो वर्ष 2007 से 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव 16/61/255 को अपनाया था। यानी यह महासभा ने क्या करा, 2007 से 14 नवंबर को हर साल मधुमेह दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। कितने प्रस्ताव का संख्या था, 61/225, ये प्रस्ताव का इस तरह का संख्या रखा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, करंट अफेयर है, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, कौन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IRCTC। 12 दिसंबर से भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ कर रहा है। यानी 12 दिसंबर से क्या करेगा, भारत दर्शन और भारत दक्षिण यात्रा के शुभारंभ कर रहा है। किसने, IRCTC ने। ये जो दक्षिण क्षेत्र में है ना, भारत स्थित दक्षिण क्षेत्र जो है राज, उधर दर्शन कराएगा ये ट्रेन। इसमें आपको रहने सभी तरह के, बस पैसा लगेगा, आपको खाने के लिए भी मिलेगा, 3 टाइम का खाना भी मिलेगा और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको आराम से घूम सकते हैं एक ही से एक जगह, एक ट्रेन पर बैठ कर, एक बस देख लीजिएगा आप लोग। भारत, यहाँ देखिए दिया हुआ, भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 और 18 दिसंबर तक चलेगी। यानी 12 से 18 दिसंबर तक कहाँ से चलेगी, हैदराबाद और सिकंदराबाद से। तो इस यात्रा का विषय क्या है, शो इंडिया टू इंडिया, इंडिया को दिखाना किसको, इंडियंस को, यानी भारतीय को भारत का दर्शन होगा। इस विषय का थीम क्या है, इस यात्रा का विषय क्या है, शो इंडियंस टू इंडियंस, मतलब कि भारत लोगों को ही भारत के बारे में दिखाना, क्योंकि बहुत सारे बाद में व्यक्ति है भारत के बारे में पूरा नहीं जानते, तो उन लोगों को क्या करेगा, भारत के बारे में दिखाएगा। तो IRCTC के बारे में जानते हैं, IRCTC क्या है, 27 सितंबर 1999 को निगमित किया गया था। तो यानी इसका कब फॉर्मेशन किया था, 27 सितंबर 1999 को। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है। कौन है, IRCTC भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है, और संगठन है भारतीय रेलवे का। अगला जो बड़ा, IFSC बैंकिंग विनियम 2020 को दी मंजूरी। किसने, IFSC को बैंकिंग विनियम 2020 को दी मंजूरी। तो IFSC क्या है, इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड अथॉरिटी द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। तो आप यहाँ से दो तरीका से याद करिएगा, IFSC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। IFSC क्या प्राधिकरण ने बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विधिनियम 2020 को मंजूरी दी। किसने, IFSC ने। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा करंट अफेयर है, जो IFSC के अध्यक्ष कौन है, तो इंजेटी श्रीनिवासन। कौन है, इंजेटी श्रीनिवासन। IFSC का मुख्यालय कहाँ है, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है। तो अगला प्रश्न हमारा, म्यांमार में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत की। म्यांमार के जो चुनाव हुए उसमें आंग सान सू की पार्टी ने क्या करा, जीत दर्ज किया। तो जो आंग सान सू क्या थी, नोबेल पुरस्कार विजेता थी, जिसने क्या के चुनाव जीत ले। अगला जो हमारा प्रश्न, अगला जो हमारा करंट अफेयर, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेट्स NLD पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत, जो इसके जो आंग सान सू की पार्टी क्या थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीज
पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी पार्टी यूनियन से लीडर, विपक्षी पार्टी कौन थे, सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, केवल 21 सीटों पर नहीं रह गए। यानी इसको जब पार्टी का नाम क्या था, आंग सान सू ची का नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, जिसने 400 सीट पर जीत की, और विपक्षी पार्टी कौन थे, यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी। तो म्यांमार के बारे में जानते हैं, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नौपिदा। म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात है, क्या है, कयात है। अगला, जो वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ, हैशटैग लो, तो ये अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया, तो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा, जिसमें महिलाओं के काफ़ी भागीदार है। तो हैशटैग लोकल चार दिवाली अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना, इसीलिए शुरू किया गया। तो कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति जुआनी ईरानी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।